दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज़ है और आज हम बात करने वाले हैं LG रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर 2020 के बारे में। अब दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक LG इंडिया की टॉप टू कंपनीज़ में से एक है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रीज़न टू बाय LG एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, वीडियो को एंडिंग तक की ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले रीज़न की बात करें तो सबसे पहला रीज़न आता है डुअल कूल टेक्नोलॉजी। अगर आप दोस्तों LG के AC को किसी दूसरे ब्रांड के साथ में कंपेयर करते हो तो बहुत सारे ब्रांड में जो कंप्रेसर होता है तो उनके कंप्रेसर के अंदर सिंगल रोटरी दिया जाता है, लेकिन LG के लगभग सारे मॉडल्स में कंप्रेसर के अंदर आपको डुअल रोटरी दिया जाता है, जिसके वजह से LG का AC काफ़ी ज़्यादा पावर सेविंग कर पाता है। उसका बिजली का बिल और भी कम आता है, उसका नॉइस लेवल और भी कम रहता है, उसका वाइब्रेशन लेवल, उसका पावर कंजम्पशन और भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। दोस्तों, अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो सेकंड रीज़न आता है उनका 4-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग, जिसको एक्टिव एनर्जी कंट्रोल और 4-स्टेप एनर्जी सेविंग के नाम से भी जाना जाता है। LG के 2020 के मॉडल्स में दोस्तों आपको 4 मोड दिए हुए हैं। आप चाहो तो अपने AC को नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो अपने AC को सीजन के हिसाब से भी एडजस्ट या कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। पहले मोड में दोस्तों आपका AC 100% कैपेसिटी के ऊपर काम करेगा। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और वो लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपने AC को 100% कैपेसिटी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। दूसरे मोड में दोस्तों आपका AC 80% पावर कंजम्पशन करेगा और वो 20% तक की सेविंग करेगा। अगर आपके घर के अंदर कम लोग हैं और वो लोग ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं तो आप चाहो तो अपने AC को सेकेंड मोड के ऊपर यूज़ कर सकते हो। तीसरे मोड में दोस्तों आपका AC 60% तक का पावर कंजम्पशन करेगा और 40% तक का सेविंग करेगा। यानी कि अगर आपके घर में बहुत कम लोग हैं और वो लोग ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो आप चाहो तो अपने AC को तीसरे मोड के ऊपर यूज़ कर सकते हो। चौथे मोड में दोस्तों आपका AC सिर्फ और सिर्फ 40% के आसपास का पावर कंजम्पशन करेगा और 60% तक का सेविंग करेगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके घर में बहुत ही कम लोग हैं और वो लोग कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप चाहो तो अपने AC को चौथे मोड के ऊपर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो तीसरा रीज़न आता है इनका 100% कॉपर कंडेंसर विद ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। अब दोस्तों, LG ने 2020 के अपने सारे मॉडल्स में इंडोर में आउटडोर में दोनों जगह पर स्पेशल ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो उनके AC के इंडोर को और आउटडोर को सैंड, सॉल्ट, इंडस्ट्री स्मोक, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ों से बचा के रखता है और उसके वजह से उनके AC की लाइफ और भी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। दोस्तों, अगर हम चौथे रीज़न की बात करें तो चौथा रीज़न आता है उनका ओशन ब्लैक फिन्स टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, LG ने 2020 के अपने मॉडल्स में कंडेंसर के ऊपर जो फिन्स होता है वो भी ओशन ब्लैक फिन्स दिया हुआ है, जो उनके कंडेंसर को डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी, ह्यूमिडिटी, नमी, गीलेपन, ये सारी चीज़ों से बचा के रखता है। दोस्तों, अगर हम पाँचवें रीज़न की बात करें तो पाँचवें रीज़न का नाम आता है लो गैस डिडक्शन टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, जैसे ही LG के AC में कंप्रेसर के अंदर गैस का लेवल 60% से कम हो जाएगा, यानी कि अगर कुछ लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से गैस ख़त्म होने लगती है, तो वैसे ही उनका AC आपको डिस्प्ले पे इंडिकेट करके बता देगा। जैसे ही लीकेज का प्रॉब्लम आएगा वैसे ही LG के AC में CH38 एक कोड लिखकर आपको बिलिंग करके बताया जाएगा कि सर AC में लीकेज का प्रॉब्लम आ चुका है, आप फटाफट सर्विस सेंटर में कॉल को एस्केलेट कर दो। दोस्तों, अगर हम छठे रीज़न की बात करें तो छठा रीज़न आता है उनका स्टेबलाइज़र फ्री प्लस टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, तो भी आपको अलग से स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि LG का जो AC होता है वो 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच के फ्लक्चुएशन को इजीली सहन कर पाता है और आपको अलग से स्टेबलाइज़र लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर हम सातवें रीज़न की बात करें तो सातवां रीज़न आता है उनका 4-way स्विंग टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, 2020 के LG के बहुत सारे मॉडल्स में ये टेक्नोलॉजी दी गई है, यानी कि उनका जो AC होगा वो अप, डाउन, राइट, लेफ्ट हर दिशा में आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसके जो फ्लैप हो गए वो चारों डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर हम आठवें रीज़न की बात करें तो आठवां रीज़न आता है उनका R32 नंबर की रेफ्रिजरेंट। अब दोस्तों, LG के 2020 के सारे मॉडल्स में आपको R32 नंबर की गैस दी गई है, जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, ग्रीन गैस होती है, पावरफुल कूलिंग कर पाती है, हायर एफिशिएंसी होती है, उसका GTB लो होता है, उसका ODP ज़ीरो होता है और वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे पाती है दोस्तों आपको लो क्वांटिटी के अंदर भी, और आप चाहो तो उसको इजीली टॉप अप भी कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम नवे रीज़न की बात करें तो नवा रीज़न आता है LG का थिन क्यू टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों, आप अपने AC को अपने मोबाइल से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में कहीं से भी और कभी भी ऑपरेट कर सकते हो।
दोस्तों अगर हम 10वें रीज़न की बात करें तो 10वां रीज़न आता है उनका वारंटी। अब एल जी के 2020 के सारे मॉडल्स में आपको 1 साल का टोटल वारंटी दिया हुआ है और आपको 10 साल का वारंटी आता है कंप्रेसर का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।